हेलो फ्रेंड्स, मैं रिचा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल चटपटी रिचा में। आज हम बनाने जा रहे हैं सत्तू का पराठा और इंस्टेंट आलू का भरता। सत्तू शरीर को ऊर्जा देने के साथ ही लंबे समय तक पेट को भी भरा रखता है। सत्तू खाने में तो टेस्टी लगता ही है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए देख लेते हैं मैं सत्तू के पराठे को कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है गेहूँ का आटा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन हाथों से क्रश करके। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसको आप ज़रूर डालें। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ऑयल। सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे ऑयल, अजवाइन और नमक आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक नरम मुलायम डो तैयार कर लेंगे। हमारा डो अच्छे से तैयार हो चुका है। डो तैयार करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इतना हम तैयार कर लेते हैं अपने बाकी की चीज़ें। यहाँ मैंने लिया है सत्तू। ये मैं आपको बता देती हूँ, मैं ये वाला सत्तू यूज़ कर रही हूँ, राजधानी का है, जो आराम से मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं 1.5 कटोरी सत्तू यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक बारीक काट लिया था। अब हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। यहाँ मैं 1/2 चम्मच लहसुन इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच अचार का मसाला। यहाँ मैं आम के अचार का मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सरसों का तेल। अगर आप कच्चा तेल यूज़ कर सकते हैं तो आप इसमें वही डालें। यहाँ मैंने तेल को पका लिया था, जिसको मैं 1 बड़ा चम्मच इसमें डाल रही हूँ। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और खूब सारा हम यहाँ पर हरा धनिया बारीक बारीक काट कर इसमें डाल देंगे। और सभी को हम अच्छे से अब मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप भुने चने को मिक्सी में पीस लें और उसको छानकर भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। हमारी ये स्टफिंग थोड़ी सी मॉइस्ट रहती है, जिससे हम जैसे इसमें अब हाथ से ऐसे दबाएंगे तो एक लड्डू जैसा इससे बन जाएगा। ये इस बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। यहाँ मैं थोड़ा सा स्टफिंग निकाल कर अलग रख रही हूँ। अब हम बाकी की स्टफिंग में ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आप इस तरह से स्टफिंग को निकाल लीजिए और बाकी की स्टफिंग में हरी मिर्च को ऐसे डाल दीजिए। हरी मिर्च का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब स्टफिंग को हम हाथों से ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी स्टफिंग बनकर बिल्कुल तैयार है। अब चलिए बना लेते हैं आलू का भरता। भरता बबनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिनको मैं रफली ऐसे ही मैश कर रही हूँ। आज मैं इंस्टेंट भरता बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। वैसे इसके लिए जो चोखा बनाया जाता है वो बैंगन और आलू प्याज वगैरह को मिक्स करके बनाया जाता है, जो पहले भून कर तैयार किया जाता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच लहसुन और खूब सारा हरा धनिया। और अब 1 नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। यहाँ मैं वही सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पका कर रखा था। और अब ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और बहुत थोड़ी सी मैं यहाँ लाल मिर्च डाल रही हूँ। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, यहाँ मैंने पका हुआ तेल यूज़ किया था, क्योंकि हम कच्चा तेल नहीं खा पाते हैं। अगर आप कच्चा तेल खा सकते हैं तो आप वही इसमें यूज़ करें, उसी से इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है और उसी से हमारा ओरिजिनल भरता बनकर तैयार होता है। हमारा भरता अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं थोड़ी सा भरता अलग निकाल कर रख रही हूँ और बाकी के भरते में हम हरी मिर्च को डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारा भरता भी बनकर बिल्कुल तैयार है। चलिए अब बना लेते हैं हम पराठे। पराठों के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ी बड़े साइज़ की ऐसे लोई बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम एक लोई को उठाएंगे और उस पर सूखा आटा लगाएंगे
और उसको हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे। अब लोई को हम हाथ में लेंगे और उसके बीच वाले पार्ट से उसको ऐसे रोल करते हुए गोल शेप देंगे। एक कटोरी नुमा हमें इसका आकार बना लेना है, जिससे स्टफिंग इसमें बहुत अच्छे से भर जाएगी, कुछ इस तरीके से। क्योंकि हम ये स्टफ पराठा बना रहे हैं, अगर इसमें स्टफिंग ही नहीं जाएगी तो फिर पराठा कैसे टेस्टी बनेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टफिंग भरने के लिए आप ऐसे एक कटोरी नुमा आकार इसको दे दीजिए और उसमें हम ऐसे भर के अच्छे से स्टफिंग डाल देंगे। यहाँ मैं 2.5 से 3 चम्मच स्टफिंग एक पराठे में डाल रही हूँ। और अब इसको हम चम्मच से ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे, जिससे ये आराम से बंद हो जाएगी। और हाथों से ऐसे रोल करते हुए हम इसको बंद कर देंगे, ठीक इसी तरह। ये बिल्कुल भी खुला नहीं रहना चाहिए, स्टफिंग जो है हमारी बिल्कुल अंदर से पैक हो जानी चाहिए। अब इसको ऐसे हल्का सा प्रेस कर देंगे और रोल करते हुए बार बार थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छे से बन जाएगी और हमारी स्टफिंग जब बेलते समय बाहर नहीं निकलेगी। अब इस लोई को हम हल्का सा हाथ से प्रेस कर देंगे और साइड रख देंगे और बाकी की लोई भी हम इसी तरह से बनाकर स्टफ कर लेंगे। हमारी सारी लोइयाँ स्टफ हो गई हैं। अब हम एक लोई लेंगे और उस पर सुखाटा लगाएंगे और अब उसको हम बीच की साइड से ऐसे प्रेस करते हुए रोल करेंगे, जिससे ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी और जो हमारी स्टफिंग है वो सारे में इवनली फैल जाएगी और जब हम इसको बेलेंगे तो वो फटकर बाहर भी नहीं आएगी। अब इसको ऐसे नीचे रख कर हल्का सा प्रेस करेंगे और बेलन से रोल करेंगे, पराठे की शेप देंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारा पराठा बनकर तैयार हो रहा है। इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है, जबकि हमने कितनी सारी स्टफिंग इसके अंदर डाली थी। और इसी तरह से हम सारे पराठे बना लेंगे। हमारा तवा गर्म हो चुका है, अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपना पराठा। पराठे को एक साइड से अच्छे से गर्म होने देंगे, जिससे ये एक साइड से थोड़ा सा सिक जाएगा और जब ये थोड़ा सा सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सरसों का तेल। यहाँ मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से फैला देंगे और इसी तरह से हम पलट कर दूसरी साइड भी इसमें ऑयल लगा लेंगे। पराठे को हम मीडियम फ्लेम पर बनाएंगे, इससे हमारा पराठा बहुत ही अच्छा क्रंची सा बनेगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही ऑयल लगा लेंगे और पलट कर हम ऐसे सेक लेंगे हल्का सा प्रेस करते हुए, जिससे ये इवनली अच्छे से सिक जाएगा। और अब हमारा पराठा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ या जो मैंने भरता आपको बनाकर दिखाया उसके साथ। देखिए मैं आपको एक पराठे को खोलकर दिखा रही हूँ, हमारी जो स्टफिंग है कितने अच्छे से पूरे पराठे में फैल गई है। अब आप इसको एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।